अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। मैं YouTube फैमिली उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को पहले पिक्चर दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से स्टिच करा हुआ है। उसका चाहे तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से स्टिच हुआ हुआ है। देन इसके साथ मैं आपको बता चलूँ, मेरे पास एक प्लेन जॉर्जेट का कपड़ा था, सिंपल बिल्कुल पतला। इसी के साथ मेरे पास एक बंच था और एक लेस थी गोल्डन कलर की, जिसको हमने इस पर लगाना था। अच्छा जी, मैंने इसकी स्लीव्स जो है बिल्कुल प्लेन कट करी थी और इसके साथ मैंने लॉन्ग पीटी कट करी हुई है। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल कमर के एंड पर जो पीटी आती है मैंने वो कट करी हुई है। मेरे पास मैंने इसके ऊपर शोल्डर पर बंच लगाया था, तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने किस तरीके से बंच लगाया और स्लीव्स पर लेस लगाई है। जी, तो मैंने स्लीव्स पर जो है 4 लेयर्स लगाई थी। लेस की स्टेप देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 लेयर्स हैं लेस की स्लीव्स पर। देन इस पर मैंने शोल्डर्स पर जो है चुने डाली थी। आप लोगों को दिखाऊंगी मैं भी जूम करके कि मैंने चुने किस तरीके से डाली हैं। सिंपल जो है मैंने कपड़ा लेकर उसको चुने डाली हैं, मतलब मेरे पास ज़्यादा कपड़ा था तो मैंने कहा इस पर चुने डाल देती हूँ। अक्सर अमूमन ऐसा होता है कि मेरे पास अगर स्लीव्स का ज़्यादा हो तो मैं शोल्डर पर हमेशा चुने डाल देती हूँ। देन इसके बाद मैं ये बंच दिखा रही हूँ, मैंने बोट गले पर लगाया था, हाफ बोट तक है और मैंने इसको कट करा था, चुने डाली हुई थी फ्रॉक में, नीचे तक मैंने इसको कट करा था पूरा। और ये है भी फुल लॉन्ग फ्रॉक जो नीचे पाँव तक होता है। देन इसमें मैंने साइड पर कट डाला है। अब जो यहाँ पर मैंने सिलाई करी है और बंद करा है, वहाँ पर जो है मैं यहाँ पर कपड़े के ही बनाकर जो है बटन इस पर लगाऊंगी। सेट इट ऑफ क्लिकिंग, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। ओवरऑल लुक थोड़े सामने है किस तरीके से मैंने स्टिच करा है, ये मैं आपको बता चुकी, मैं दोबारा बता दूंगी आप लोगों को तसल्ली के लिए। इसमें मैंने जो बोट गला बनाया था उसमें जो मैंने साइड जो कट लगाया था उसकी वजह से मैंने एक गले को थोड़ा सा अंदर की तरफ भी कट करा था, तो वो इस तरह से गला बन गया था। बाकी मैंने बटन लगा के इसकी चुने डाली हैं। ये आप लोगों के सामने ही कपड़ा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा स्लिपरी कपड़ा है ये जो मैंने जो लिया हुआ है, इससे छॉर्जर जो शाइन वाली छॉर्जर जो होती है स्लिपरी टाइप की, ये वो है। इसके अंदर आप कैन भी लगा सकते हैं जिसकी वजह से ये फूला फूला सा हो जाता है, अंदर से बारबी डॉल की तरह हो जाता है, लेकिन मैंने इसमें नहीं लगाया क्योंकि एक सिंपल सी पार्टी का बनाया है, बहुत छोटी मोटी आम सी पार्टी के लिए जो आराम से इजीली वेयर कर सके हम लोग। इतना हैवी नहीं बनाया जो वेयर करने में मुश्किल है। और इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता चलूँ, मैंने इसके साथ एक बैंड बनाया है हेयर्स पे लगाने के लिए। आजकल चल रहे हैं मास्क, चल रहे हैं बैंड्स, चल रहे हैं, तो मैंने काफ़ी बनाए हैं, मास्क भी बनाए हुए हैं, बैंड्स भी बनाए हैं, तो ये मैंने बालों पे लगाने के लिए बैंड बनाया है। मेरे पास थोड़ी सी लेस बच गई थी कपड़ा, तो मैंने क्यों ना हम लोग इसका बैंड भी बना लीजिए साथ लगाने के लिए, स्टाइल बनाने के लिए लगा कर। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है बनाना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने सीखना है किस तरह से बनता है तो सिर्फ मुझे कमेंट्स में जाके बताएं और मैं आप लोग को बनाना सिखा दूँगी वीडियो के साथ। इसी वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर उनके आंसर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।